और भाई लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं टेक्नो गेमर्स का माइनक्राफ्ट वर्ल्ड अपडेटेड वर्ल्ड में लेके आ चुका हूँ। टेक्नो गेमर्स ने लास्ट वीडियो में जो कैसल को अपडेट किया था वो मैंने भी अपडेट कर दिया है। मैंने फिर से बनाया है इसको। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ये वर्ल्ड फिर से बनाया है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एंट्रेंस है हमारी। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दो स्टैचू लगे हुए हैं गोल्डन आर्मर के साथ और डायमंड आर्मर के साथ। इधर एनिमल फार्म है, इधर ये रहा हमारा वीट फार्म। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा इधर चेस्ट रखी हुई हैं। यार मैं आपको बता दूं, ये सारी चेस्ट यार खाली हैं। यार चेस्ट भरने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए यार मैंने चेस्ट भरी नहीं है। इधर फर्नेंस लगा दिए हैं। इधर ये हमारा ये रहा पोलर बियर, ये पोलर बियर ये रहा। इधर हमारे हॉर्सेज हैं। मैं भी अंदर का दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पहले बाहर बाहर का दिखा देता हूँ। इधर हमारे ये सारे विलेजर्स और इधर आयरन गोलम भी है। यार मैंने सिर्फ दो आयरन गोलम स्पॉन करे हैं, ज़्यादा यार काफ़ी भरा भरा सा लग रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा आयरन गोलम लगाए नहीं है। एक ये रहा आयरन गोलम, एक बाहर घूम रहा है, सिर्फ दो ही लगाए हैं। चलिए मैं आगे का दिखा देता हूँ अब आपको। कासल के अंदर चलते हैं। कासल के अंदर जाने से पहले यार मैं एक बार सुअर किन फार्म दिखाता हूँ, ऑटोमेटिक सुअर किन फार्म। सो ये हमारा ये रहा ऑटोमेटिक सुअर किन फार्म। मैंने साइड साइड में पोटैटो लगा रखे हैं। और सो गाइस, ये हमारे वर्क भी कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वर्क कर रहा है। ये सुअर किन लिया हमने, इधर रख दिया। मैं दिखाता हूँ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। एक बार मैं इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं ऊपर लगा रहा हूँ ये बड़ा हो रहा है, कट जा रहा है, इसका मतलब वर्क कर रहा है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ऑटोमेटिक सुअर किन फार्म वर्क कर रहा है। ये जो मैंने सी से ब्रेक करा है मैं इसको फिक्स कर दूँगा, आपको सही मिलेगा, कोई इसके कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वॉच टावर भी दिखा देता हूँ आपको। वॉच टावर ये रहा, ये वॉच टावर है हमारा। एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड वॉच टावर है वो रहा। मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ उसको कैसा लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। चलिए हम कासल के अंदर चलते हैं यार, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो माइनक्राफ्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कासल के अंदर का लुक, सो रेडी हो जाइए उसके लिए। तो चलते हैं कासल के अंदर। सबसे पहले देखते हैं एक बार ये ऑटोमेटिक डोर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अंदर चले हम। सो गाइस, जैसे ही हम अंदर गए ये डोर ओपन हो गया ऑटोमेटिक डोर, ये वर्क कर रहा है हमारा। और सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं पैटर्न कितना बढ़िया लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। काफ़ी टाइम लग गया है मेरे को बनाने में इसे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि ब्लॉक लगाना थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा ज़्यादा ही बहुत मुश्किल था यार, टाइम लग गया इसको बनाने में। टेक्नोमर्स की तरह यार काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक भी। ये सिंहासन ये रहा, काफ़ी ज़बरदस्त, बहुत मस्त लग रहा है मुझे तो यार। ये ज़ॉम्बी यहाँ से कहाँ आ गया, मैंने इतनी लाइट नहीं कर दी है फिर भी ज़ॉम्बी यहाँ स्पॉन हो जा रहे हैं। इसको मार देते हैं, ख़त्म करते हैं, आगे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये लुक कैसा लग रहा है बाहर का, अंदर की साइड का। अंदर ये रहा बेड मैंने इधर लगा दिया है। और आगे चलते हैं, आगे भी कुछ नहीं है, इधर सेम टू सेम है पूरा। आगे मैं आपको बाहर का लुक दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आगे चलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, इसके अंदर शाफ्ट मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आयरन फार्म मैंने इसमें बनाया नहीं है अभी। आयरन फार्म के लिए मैं जगह ढूंढ रहा था कि किधर बनाना चाहिए। आप मुझे कमेंट से सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे आयरन फार्म किस साइड बनाना चाहिए, इस साइड बनाना चाहिए या फिर थोड़ा सा और दूर बनाना चाहिए। गाइस मुझे कमेंट से बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे शुरुआत करी है इसकी बनाने की, यहाँ मैंने ये स्टेशन बना दिया है यार। यहाँ पर ना ये ऊपर ऊँचा नहीं चाहता, तो यार मैंने थोड़ा ऊँचा ही कर दिया है, तो यार उस सब के लिए सॉरी। काफ़ी टाइम लगता है इसको प्लेन करने के लिए, मैंने उसको प्लेन नहीं करा, इसको ऊपर ही बना दिया है। गाइज़ यहाँ पे मैं आयरन फार्म बना दूँगा, नेक्स्ट अपडेट में आयरन फार्म मिल जाएगा, उसके नेक्स्ट अपडेट में माइनशाफ्ट भी बना दूँगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी था वीडियो को तो लाइक कर ही देना। और कुछ मैं आपको एक्सपी फार्म में दिखा देता हूँ, नेदर पोर्टल ऊपर से थोड़ा सा कैसा लुक लग रहा है। ये ऊपर से देखिए ऐसा लुक है इसका, ऊपर से काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ इसको डाउनलोड कैसे करना है और इसको कैसे इंपोर्ट करना है। सो गाइस,
वर्ल्ड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, जो लिखा हो रहा है टेक्नो गेमर्स वर्ल्ड डॉट जिप, इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे कि आप जेड आर्चीवर का यूज़ कर सकते हो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और या फिर आपके पास अगर एमआई का फ़ोन है तो उसमें डायरेक्ट ही आता है एक्सट्रैक्ट करने का। मेरे पास एमआई का फ़ोन है तो मैं इसको डायरेक्ट ही एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट हियर करते हैं। तो भाई इसके बाद ये पासवर्ड मांगा था, इसका पासवर्ड है फुल कैपिटल में है, कैपिटल में पी सू के, PISUKE, पी सू के ओनली पासवर्ड है इसका। पी सू के डाल के इसको ओके करना। ओके करने के बाद ये हो जाएगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको ओपन करोगे तो ये फाइल लिखा रही है KFFZX। इस फाइल को हमें कॉपी या मूव कुछ भी करना है। मूव करता हूँ मैं, चलिए इंटरनल स्टोरेज में जाना है, उसके बाद जाना है गेम्स में, कॉमरेड मोजेंग में, उसके बाद माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। सो भाई ध्यान रखिए, आपको ये वाली फाइल को पेस्ट करना है, ना कि टेक्नो गेमर्स वर्ल्ड वाली फोल्डर को। इस फोल्डर को आपको माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में पेस्ट करना है। ओपन करके देख सकते हैं, सारी फाइलें इसके अंदर होनी चाहिए। गाइस वर्ल्ड को पेस्ट करने के बाद आपको माइनक्राफ्ट ओपन करना है, वहाँ पर आपको टेक्नो गेमर्स का वर्ल्ड दिख जाएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।